सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्या कराना चाहती हैं? अब मैं समोसों का वेट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि क्या जबरदस्त मौसम हो रहा है। आहा, मजा आ गया। और मैंने तला से नहीं, हम कह रहे थे तला कह रहे थे आज मैं बारिश की वजह से सुबह उठा जल्दी। यकीनन बारिश अल्लाह की रहमत है, नेमत है, और हमें इस पानी से भरपूर फायदा उठाना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरी नज़र में अगर कराची का मौसम जुलाई और अगस्त में ऐसा ना होता, बादलों ने हमें ना घिरा हुआ होता, तो बिजली के बिल 3-4 गुना ज्यादा आते, क्योंकि इतनी महंगी बिजली में एसी चलाना बहुत मुश्किल है। इन बादलों की वजह से वर्दा थोड़ा लंदन वाला माहौल महसूस हुआ, वाला माहौल। लेकिन आई रियली विश कि लंदन वाला माहौल हमें सड़कों पे भी देखने को मिलता, कि हम आराम से अम्ब्रेला लेके अपनी वॉक कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या वॉक कर सकते हैं या गाड़ी में जा सकते, थोड़ा सा मौसम मजीद इंजॉय कर सकते, चाय पीते, कहीं बैठ के कॉफी पीते। काश काश हर ख्वाहिश ऐसी के दम निकल जाता है, दम भी निकल जाता है, गाड़ियों का दम तो वैसे ही निकल जाता है। तला कोई खुशखबरी सुना रहे हैं? खुशखबरी? हाँ, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आप चले कह लें आप इसको खुशखबरी, मैं खुशखबरी नहीं कहूँगा, क्योंकि यकीनन कतर के और मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात कोई नए नहीं हैं। हमें याद रखना चाहिए नवाज शरीफ साहब जब अपने असासों के बारे में बता रहे थे असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर, तो उन्होंने बताया था हमने किस तरह ये कतरा कतरा करके दौलत जमा की और कतर में जमा की और कतर से अब वापस पाकिस्तान आई है। और अब फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कतर गए हैं, तो वहाँ से कुछ पैकेज भी लेकर आए हैं। कुछ खबरें भी चल रही हैं वर्ल्ड कप के हवाले से कि हमारे इदारे फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 जो कतर में हो रहा है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। लेट्स सी उस पे फाइनल डिटेल्स क्या आती हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को आपने फौरन से पैसे देने वर्दा मुल्क में, ताकि वो रिलीफ वर्क शुरू करें। सिर्फ आर्मी काम कर रही है, एयरफोर्स काम कर रही है, नेवी रिलीफ वर्क कर रही है, PDMA बलूचिस्तान में थोड़ा बहुत एक्टिव नजर आया है, सिंध में बिल्कुल एक्टिव नजर नहीं आ रहा है, और हालात बहुत सीरियस हैं। हालात सीरियस हैं, लेकिन इन सीरियस हालातों में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक गुड न्यूज़। तलाब लाइक ऑलवेज हमारी कोशिश है कि हमेशा हम थोड़ा सा एक अच्छी सी गुड न्यूज़ दे दें अपने व्यूअर्स को और आपको, ताकि आप लोगों के चेहरे पे हम मुस्कुराहट बिखेर सकें। यूफोन लाया एक बहुत बड़ी ऑफर आप लोगों के लिए, और एक बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज लेके आया है यूफोन। जहाँ हम देख रहे हैं कि हम सब महंगाई की सुनामी में पिस रहे हैं और गोते खा रहे हैं, वहाँ पर यूफोन दे रहा है हमें एक बहुत ही बेहतरीन रिलीफ। और वो रिलीफ क्या है तला? क्या है ये रिलीफ? ये है हमारा कि आप बहुत ही सस्ता पैकेज ले सकते हैं, और आपके लिए लेके आया है यूफोन 4G पैकेज लेके आया है आपके लिए, जिसमें आपको मैं बेनिफिट बताना चाहूँगी उसके, कि यूफोन 4G ने दी है सबसे बड़ी ऑफर, वो भी ये है कि कम पैसों में आप इंजॉय कर सकते हैं फ्री अनलिमिटेड और ऑनलाइन आप फ्री अनलिमिटेड नेटवर्क पे कॉल्स कर सकते हैं एकदम एक्स्ट्रा। वाओ, तो ये है नामुनासिब से बड़ी ऑफर, क्योंकि यानी कि आप किसी भी नेटवर्क पे आप कॉल कर सकते हैं और आप बहुत ही कम पैसों में कॉल कर सकते हैं अनलिमिटेड। आपके लिए ये ऑन नेट कॉल्स का एकदम एक एक्स्ट्रा पैकेज है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज है। और अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप वीकली सिर्फ 299 सही है, वीकली से 299 रुपये में क्या हासिल कर सकते हैं? आप हासिल कर सकते हैं पूरा 40 GB हाई स्पीड डेटा। जी हाँ, पूरा 40 GB डेटा। 40 GB डेटा बहुत होता है, और वो हाई स्पीड डेटा आप हासिल कर सकते हैं वीकली। और इसके साथ साथ यूफोन और PTCL पर आपको मिल सकती है, आप कॉल्स कर सकते हैं बिल्कुल फ्री, यानी कि कॉल्स भी फ्री और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भी कोई पाबंदी नहीं है आपको। और एक हफ्ते में इतने कम रेट में यूफोन के अलावा इतनी बड़ी ऑफ़र और कोई नहीं दे सकता, सिर्फ यूफोन 4G ही दे सकता है। तो आप इस ऑफ़र को हासिल करने के लिए अभी और इसी वक्त अपने करीबी दुकान पर जा सकते हैं, जहां आप रिचार्ज करवा सकते हैं या आप यूफोन फौरी चार्जअप भी करवा सकते हैं और ये ऑफ़र ले सकते हैं, या किसी भी ऑनलाइन आप पेमेंट ऐप से इस ऑफ़र को अपने पास लोड करवा सकते हैं और ये फायदा उठा सकते हैं यूफोन 4G से। तुम ही तो हो यूफोन, तुम ही तो हो। हाँ, राइट। चले जी, कितनी जबरदस्त खबर दी हमने आपको कि आप जहाँ हर चीज महंगी हो रही है, वहाँ यूफोन 4G आपको एक रिलीफ दे रहा है कि आप सिर्फ 299 रुपए में वीकली ऑफर पैकेज ले सकते हैं। नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। मानसून के मौसम में सियासी दर्जा हरारत हाई, इमरान खान और शेख रशीद समेत 17 सियासी रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज। कप्तान के हक में मुल्क और बैरून मुल्क मुजाहरे, आलमी मीडिया भी हक में बोल पड़ा।
सिंध भर में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री, काफी पानी घरों में दाखिल, निजाम जिंदगी मफलू, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, कराची में भी सुबह से बारिश, सिंध में आज और कल तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। सालाना फीसों में कई गुना इजाफा, किताबों की खरीदारी के लिए भी मन पसंद दुकानें मुख्तस, प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी के खिलाफ वालिदैन सड़कों पर, पेरेंट्स एसोसिएशन का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा, और फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है तो, आज पोलियो के खतरे पिलाने होंगे, कमजोर नहीं पड़ना, बिल्कुल नहीं डरना, हमारा मुस्तकबिल हमारी जान, पोलियो फ्री पाकिस्तान। राइट, अब कुछ सैलाबी सूरत हाल का मैं जिक्र यहाँ पे करना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम पॉलिटिकल सिचुएशन का जिक्र करें, आप बलूचिस्तान हो या सिंध हो, बहुत सीरियस सिचुएशन है इस वक्त। सिंध के अंदर 60 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, बलूचिस्तान में 230 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। अगर मैं बलूचिस्तान का जिक्र करूँ तो 1,00,000 से ज्यादा जानवर, मवेशी, लाइफ स्टॉक ज़ाया हो चुका है, उसके साथ साथ कोई 7,000 से ऊपर घर गिर चुके हैं मुकम्मल तौर पर, 20,000 के करीब घर जुज़वी तौर पर नुकसान उठा चुके हैं, कोयटा, जाफराबाद, नसीराबाद, ज़ियारत, दुक्की, और भी बहुत सारे, लसबेला में इस वक्त भी बारिश हो रही है, इस वक्त भी वहां पर तुगयानी आई हुई है, नदी नालों में बड़ी परेशानी की बात है। सिंध की मैं बात करूं तो टंडो मोहम्मद खान में इस वक्त बारिश हो रही है, सखर, बदीन, सजावल, जूहड़, जमाली, ये सारे वो एरियाज हैं, साहली बेल्ट है, तो इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, बारिशें हो रही हैं। और वर्दा, इफ आई टेल यू दिस, कि आप अगर इंडस हाईवे से सखर तक जाएं बाय रोड तो आपको दोनों साइड पे सारे जो गांव आबादियां जो दूर दूर आबाद थे वो करीब आके रोड पर बैठ गए इमदाद के लिए, कि उनके पास खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, उनके घर बार, मवेशी, जानवर, जमीनें सब जाया हो गई हैं। लाखों एकड़ सिंध में 2,00,000 जानवर जाया हुए हैं, 2,00,000 एकड़ जमीनों पर फसलें खड़ी हुई थी तबाह हो गई हैं। इमेजिन करें इस वक्त अगर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्टिव नहीं होती है, वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुराद अली शाह वजीर आला सिंध एक्टिव नहीं होते हैं तो कितनी मुश्किल का सामना होगा इन लोगों को, कितनी परेशानी का सामना होगा। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया कि हमें इमदाद की जरूरत है, इमदाद तो आएगी जब आएगी, आप अपने इकदाम को शुरू करें। पाकिस्तान नेवी ऑपरेशन कर रही है, एयरफोर्स ऑपरेशन कर रही है, आर्मी ऑपरेशन कर रही है, रिलीफ वर्क जारी है, लेकिन सैडली पीडीएमए की कार्रवाई बलोचिस्तान में, इस मैंने शुरू में कहा, थोड़ी बहुत एक्टिव है, सिंध में तो मुझे नजर ही नहीं कुछ नजर नहीं आ रही। सबके आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा है कि भाई ये लड़ने का वक्त नहीं है, इस वक्त सैलाब जदगान को हमारी मदद की जरूरत है, बराए मेहरबानी उनकी मदद करें, बाद में लड़ाई लड़ लीजिए, लेकिन इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है वो हम सब जानते हैं, हुकूमत का सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला मुस्तकिल जारी है, और गुज़िश्ता रोज उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर एक और FIR भी जो है वो मुकदमा दर्ज करवा दिया है, उनके ऊपर अब दो मुकदमे हो चुके हैं, उससे ज़्यादा भी हो चुके हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि रोज पर्चे कट रहे हैं, सुबह पता चलता है आपको जी एक और पर्चा कट गया है, एक और FIR हो गई है, और कल तो हमने ये भी देखा कि कल खान साहब जिस तरह का कोर्ट का फैसला भी आया है, तो 31 तारीख को दोबारा खान साहब को बुलाया है उन्होंने, और कहा भी है कि भाई जो समाअत होगी उसमें आप बताएं, और शो का नोटिस भी उन्होंने ले लिया है, तो अभी देखना ये है कि ये सब सिचुएशन सियासी सूरत हाल कहाँ जाके बैठती है। इस वक्त मेरे ख्याल से तला, जैसे कि हम सब जानते हैं और ये बात हम सब कह रहे हैं, ये हर कोई कह रहा है कि इस वक्त सियासी गर्मा गर्मी से ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों की मदद करना जो इस वक्त बेघर हो चुके हैं, जो अब हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं। और यकीनन, और जिस तरह की सियासत हो रही है कन्फ्रंटेशन की, झगड़े की, फड्ढे की, कि हम नहीं खेलेंगे तो खेलने नहीं देंगे, ये बच्चों को सूट करता है। ऐसे मैच्योर सियासतदान जिन्होंने पूरी ज़िंदगी सियासत में लगा दी, जो 3-3 बार वज़ीर आज़म बने, अब वो जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं कि सहाफ़ी को खरीद के सेम ट्वीट्स एक ही वक्त में 4-4 सहाफ़ी कर रहे होते हैं, साथ साथ जो उनके मुखालिफ सहाफ़ी होते हैं उनको अरेस्ट करवा देते हैं, इमरान खान को अरेस्ट करने का इतना शौक है, आप सोच नहीं सकती वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और मियां नवाज शरीफ साहब को, और इसके लिए वो किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं, बाय हुक और बाय क्रूक, एज आई सेड बिफोर। लेकिन एतजाज हसन अपने कल शो में, एक न्यूज चैनल के शो में, उन्होंने एक बार मेंशन कर दी है कि ये सोच तो रहे हैं कि गिरफ्तारी कर लें ये खान साहब की, लेकिन उनको भी ये बात पता है कि अगर वो गिरफ्तारी तो दूर की बात है, अगर वो नजरबंद भी कर देंगे बनी गाला में तो भी लोग सड़कों पर निकल। सवाल ये सोचो वर्दा, जो शख्स 3.5 साल वजीर आजम की कुर्सी पे बैठा हो उसके ऊपर ये कोई सॉलिड केस बना नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए बहाने कर रहे हैं, हीलेबाजी कर रहे हैं, मुख्तलिफ टेक्निक से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि अब ये वाला केस बना दो, इस तकरीर में ये बोल दिया, इस तकरीर में ये बोल, भाई को करप्शन का केस ही बना देते इतने पैसे, वो कोशिश की हुई तोशेखाने का, भाई जिस शख्स के हाथ में अरबों रुपए कमाने का मौका होता है, वजीर आजम पाकिस्तान होता है, वो छोटे मोटे ये 1-2 करोड़ के गिफ्ट को नहीं देख रहा होता। अगर आपकी करप्शन निकाली जाए, आपके ऊपर जो केसेस बने हुए थे नैब में, तो उनकी सिर्फ अमाउंट देखिए, कितने बिलियंस की बात हो रही है, कितने बिलियन डॉलर बाहर चले गए मुल्क से, पता भी नहीं है कहाँ से और कहाँ
चलेगा, लेकिन इस बात पे हमें ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगी कि हमें एक धक्का लगा है, एक और डैमेज हुआ है पाकिस्तान को, कि जिस तरह की सूरत हाल जो चल रही है और खान साहब के ऊपर जिस तरह गद्दारी का केस लगा है उससे इंटरनेशनल मीडिया भी उठ खड़ी हुई है। तला देखिए, मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पर अपने व्यूवर्स को भी दिखाएंगे किस तरह से CNN ने, अखिलेश टाइम्स ने और उसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किस तरह से जो है इस चीज़ को मेंशन किया है और उठाया है कि जी साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को इस तरह से गद्दारी के मुकदमे में लिया जा रहा है, जबकि इंटरनेशनली एक ये हीरो हैं इमरान खान साहब से फरमाए नेशनली इंटरनेशनल हीरो हैं, इंटरनेशनली लोग इनको मानते हैं, इनको पसंद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, और उसके बाद जब इस तरह की सूरत हाल उनके अपने मुल्क में उनके साथ हो रही है तो फिर तो ये बात आप सब जानते हैं, डेफिनेटली हर कोई उसके खड़ा भी होगा। मैं चाह रही थी अगर स्क्रीन पर हम दिखा सकें वो सारे जर्नल जो इंटरनेशनल मीडिया ने जो लिखा है खान साहब के बारे में, अगर दिखा सकें प्रोड्यूसर साहब तो। और इसके अलावा हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, एडवोकेट शहाब इमाम हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं शो में इस वक्त, उनको वेलकम करेंगे, उनसे बात भी करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी एडवोकेट साहब बोलिए, शहाब साहब आपको आवाज आ रही है? जी आपको, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी जी शहाब साहब, ये बताइएगा कि रोज FIR कट रही हैं, रोज पर्चे कट रहे हैं, रोज सुबह एक नए केस खुल रहे हैं, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, आपको क्या लग रहा है क्या सूरत हाल बनेगी, करना क्या चाहिए, मतलब किस तरफ जा रहा है मुल्क? देखें, ये पॉलिटिकल टर्मोइल है और इसमें जो है वो जितने भी स्टेक होल्डर है उनको सेनर एलिमेंट के तौर पर बिहेव करना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान में जो असल मसला है वो इकोनॉमी का है, असल मसला रोज़गार का है, असल मसला जो है वो कैश फ्लो का है, और फिर अभी जो कुदरती आफत आई हुई है पूरे मुल्क में, सैलाब की सूरत में, बारिशों की सूरत में, तो अभी तमाम तर इस तरह की जो है ना पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोक कर हमें चाहिए कि हम एज ए नेशन जो है वो लोग जो कि डूब गए हैं, वो लोग जो बर्बाद हो गए हैं उनको लुक आफ्टर किया, और इस तरह का जो पॉलिटिकल टर्मोइल या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है को बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि जो है ना देखें पंजाब में PTI की गवर्नमेंट है, KPK में PTI की गवर्नमेंट है, फेडरल में इनकी गवर्नमेंट है, PMLN की, और सिंध में जो है पीपल्स पार्टी की है, तो एक दूसरे के ऊपर अगर आप पर्चे करेंगे तो फिर इवेंचुअली जो है वो पाकिस्तान ने पॉलिटिकल लोगों का अगर बिहेवियर सही नहीं होता तो देखा है कि फिर पाकिस्तान में किस तरह की सूरत हाल कई दफ़ा पैदा हुई है, और वो इन्हीं पॉलिटिशियंस की आपस की लड़ाई की वजह से मुल्क उस दहेज पर चला जाता है, वो डिफॉल्ट की तरफ चला जाता है, और फिर जो है वो एज अ लास्ट रिसॉर्ट इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं कि मुल्क को फिर डिफॉल्ट से बचाने के लिए और मुल्क की बका के लिए फिर उस तरह के सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। इन लोगों को बिहेव करना चाहिए, और जो है वो जुडिशरी की जो डिग्निटी है, जो प्रेस्टीज है, जो डिकोरम है, उसको मेंटेन करना चाहिए, और वो दोनों तरफ से ही जब PMLN के अगेंस्ट फैसला आया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ा, और अभी रिसेंटली जो है वो एडिशनल सेशन जज जो देवा चौधरी साहिबा हैं उनके खिलाफ इस तरह की बात हुई है, मगर एक बात ये है कि जो सू मोटो जो लिया है हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने वो लीगल कॉम्पिटेंस नहीं है उनकी, सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो सू मोटो 4 of 2021 में जो फैसला हो चुका है, जो गाइडिंग प्रिंसिपल है सू मोटो के, वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ले सकते हैं, तो वो जो सू मोटो कंटेम्प्ट में लिया गया है इमरान खान साहब के तहत, मैं समझता हूँ कि वो लीगली जो है वो दुरुस्त नहीं। शाहब साहब ठीक, आप बड़ा आपने अच्छा समझाया मैं कि जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं सुओ मोटो के वो फॉलो नहीं हुए इस सुओ मोटो में जो तौहीन अदालत का किया गया इमरान खान के खिलाफ। ये बताइए सर कि हमारी अदालतों के ऊपर पहले ही 22 लाख के करीब केसेस पेंडिंग हैं, ऐसे में हमारा पॉलिटिकल सिस्टम चाहे वो असेंबली के अंदर के हालात हों, चाहे वो ग्राउंड में बाहर जलसों रोड्स के हालात हों, सियासी जो इस वक्त एक्टिविटीज चल रहे हैं उनके हालात हों, हर जगह जहां भी मसला होता है, फड्डा होता है, कन्फ्रंटेशन होती है, हमें रुक करना पड़ता है अदालतों को और फिर उनसे बोलना पड़ता है कि भाई ये झगड़ा खत्म करवाओ। मुल्क में जहां सियासी लीडरान इस तरह लड़ रहे हों और अदालतों की तरफ भाग रहे हों इंसाफ के लिए, जो उन अदालतों की तरफ जो ऑलरेडी प्रेशर में है, तो जुडिशियल सिस्टम तो मजीद प्रेशर में आ जाएगा। शाहब साहब देखिए, जुडिशियल सिस्टम को ये प्रेशर में लेने की कोशिश करते हैं हमारे पॉलिटिकल प्लेयर जो है, और जो है वो उनको डोमिनेट करने की कोशिश की जाती है, जो कि बिल्कुल गलत बात है, और जब भी पाकिस्तान में कभी क्राइसिस आए हैं तो वो हमारी जुडिशरी है जिन्होंने रेस्क्यू किया सिस्टम को, और हर तरह के सिस्टम, चूंकि ये जो है जो बिलिटेंट एंड फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ लॉ एंड रूल्स है वो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज ही कर रही होती हैं, तो फिर इन द कोर्ट जो है वो इंटरप्रिटेशन तो फिर कोर्ट से ही करने हैं, और जब ये इतने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है और
पॉलिटिकल सिस्टम को बचाने के लिए फिर कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ता है, ये इनकी मजबूरी है। और ये जो है ना, ये हमारे पॉलिटिशियंस को और पॉलिटिकल प्लेयर्स को ये सोच समझ होनी चाहिए कि इस तरह से जो लड़ाई वो कर रहे हैं, तो क्या आपका इनसे ये सवाल पूछा जाए कि हमारी जो 50% आबादी है वो बिलो द एज ऑफ 30 है, क्या इनके पास ऐसा कोई रोड मैप है कि उनको किस तरह से आप जो है वो इकोनॉमिकली वायबल करेंगे, क्या उनकी तालीम का, क्या वो जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है उसके लिए ये इनको बच्चों को इक्विप कर रहे हैं, या हम एक हर्ड ऑफ बारबेरियंस पैदा कर रहे हैं। तो ये जो है ना बहुत क्रूशियल बातें हैं जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने दस्तूर में, आईन में, मंशूर में तो लिखती है, इम्प्लीमेंट करता हुआ कोई नहीं नजर आता। सही। अच्छा शाहब साहब, ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि खान साहब को 31 तारीख को दोबारा तलब किया गया है, तो आपको क्या लग रहा है कि वो माफ़ी मांग लेंगे या फिर जो है वो कंटेस्ट करेंगे, आपको क्या लग रहा है क्या बेहतर सूरत हाल होगी उनके लिए? देखिए, जो कोर्ट्स में जो फॉलो होता है कंडक्ट, वो तो अनकंडीशनल अपॉलोजी होती है, और इसमें जो है वो अगर माफी मांगने से कोई आदमी बड़ा, अब छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि माफी मांगने से आप बड़े होते हैं। और माजी में भी ऐसे केसेस हमने देखे, तौहीन अदालत में माफी मांगी गई है और फिर उसके बाद केस जो है वो खत्म कर दिया गया है, खत्म कर दिया जाता है। प्लस एक पॉइंट ये है कि लोग कहते हैं कि जी अगर आपको कन्विक्ट कर दें और टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट जो है आप डिस्क्वालीफाई फिर हो जाते हैं पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के बाद दुरुस्त। जो आर्टिकल 63 में वो ये लिखा हुआ है कि कम से कम सजा जो है वो 2 साल की हो, और टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट तो 30 सेकंड, 1 मिनट के 2 मिनट तक ये होता है। अगर खुदा ना खास्ता अगर इन पे कंटेम्प्ट रिपोर्ट की सजा भी हो जाती है तो ये डिस्क्वालीफाई नहीं होगी। सही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ पूछना चाहेंगे? थैंक यू सो वेरी मच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत हमें अच्छी तरह समझाया कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा भी होती है तो डिस्क्वालिफिकेशन विल नॉट बी देयर। आपने ये भी हमें बताया कि जो सुओ मोटो के जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उसके तहत भी ये सुओ मोटो नहीं लिया गया है। यकीनन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियारात होते हैं, लेकिन देखना यह है कि अब अदालतों का दरवाज़ा तो खटखटाया जा रहा है, हर कोई अदालत से इंसाफ की अपील कर रहा है, लेकिन होगा क्या ये वक्त बताएगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, वर्दा बिल्कुल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। वर्दा, हकीकत ये है कि इंसान की जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं, उसमें एजुकेशन, हेल्थ और सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, कानून के तहत भी हुकूमत को ये अपने हर शहरी को प्रोवाइड करनी चाहिए। टैक्सेस भी बड़े लिए जाते हैं दुनिया भर में, अगर टैक्सेस लेते हैं तो वो सहूलियात देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल। यहाँ क्या है, टैक्स लेना है, खून चूसना है, इतना टैक्स लेना है कि आवाम की हवा निकल जाए, और फिर ना हॉस्पिटल देना है, ना स्कूल देना है, ना रोड देना है, ना गटर देना है, लाना देना है। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे एजुकेशन की, तालीम की, जो बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, और लिटरेसी रेट हमारा बढ़ना चाहिए, बट सैडली एजुकेशन हैज़ गॉन सो एक्सपेंसिव कि अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाए तो लोग कहते हैं कि भाई इससे अच्छा है अमेरिका में ही पढ़ा ले, यहाँ पर भी तकरीबन वही फीस है, वही फीस है। और अगर तालीम की दौलत बांटने का शौक है तो बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल दो, एटलीस्ट पैसा ना बनाओ उससे। हम ये बात हमेशा करते हैं कि भाई तालीम को फ़रोग देनी चाहिए और इल्म हासिल करना है तो चीन चक दो। हम उन लोगों में से जो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते हैं कि जी आपको इल्म हासिल करने की आपको चाहे तो आप चीन तक जाएँ, भले से आपको चीन तक क्यों ना जाना पड़े, आपको लाजमी ही जाना है। लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन को लेके एक ऐसा माफिया बन गया है कि लोगों ने, स्कूल वालों ने स्पेशली, मैं क्लियरली कहूंगी कि स्कूल वालों ने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उनके वालदैन को अपना पर्सनल एटीएम कार्ड समझना शुरू कर दिया है। पहली बार स्कूल जाने वाले 2.5 साल के बच्चे से भी एनुअल फीस के नाम पर ठीक ठाक एडवांस फीस चार्ज की जाती है। हर साल उस फीस के ऊपर मनमानी अपनी करके उन्होंने अपने पैसे बढ़ा देने हैं एनुअल फीस के ऊपर। और फिर दूसरी बात, सबसे ज्यादा एक माफिया है तलहा बुक्स और कॉपीज का, बुक्स, कॉपीज, यूनिफॉर्म, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कभी ये कभी वो कभी वो कभी ये। पेरेंट्स बेचारे अल्लाह रहम करे बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बड़े खास मेहमान भी हैं। बर्दा हमारे पास गेस्ट भी मौजूद हैं और पेरेंट एसोसिएशन से भी हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल सिंध पेरेंट एसोसिएशन के गेस्ट हैं हमारे साथ, और स्टूडेंट फेडरेशन से भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो हमारे साथ हैं हमूदुर रब जाफरी साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल सिंध पेरेंट एसोसिएशन के, और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं अतीक नसीर शमसी साहब, वाइस चेयरमैन हैं ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। पहले वालदैन की तरफ बढ़ते हैं, पहले वालदैन की तरफ जाफरी साहब, what is the misery, what is the dilemma that we live in?
क्यों हमारे मुल्क में तालीम का ये हाल कर दिया है कि गरीब के लिए तो तालीम ना होने के बराबर है, सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऐसी है कि अल्लाह बचाए, प्राइवेट स्कूलों में फीसें ऐसी है, अल्लाह रहम ही फरमाए। जाफरी साहब, अल्लाह भाई आपने तो इंट्रो में बिल्कुल ही ताबूत में कील ठोक दी है, जो इंट्रो आपने दिया है वही खुलासा है तमाम। क्यों का जवाब मैं दे देता हूँ। क्यों इसलिए किया जा रहा है कि जो लोअर क्लास है या मिडिल लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है उसके लिए ये मुश्किलात इसलिए पैदा की जा रही हैं कि ये चाहत ही नहीं है कि नीचे से कोई बच्चा पढ़ करके ऊपर आए। नीचे वाले बच्चों को सिर्फ और सिर्फ क्लर्क बनाना है तो इंतहाई मामूली सी तालीम जिसका कोई मयार नहीं है और वो भी इंतहाई एक्सपेंसिव करने के बाद मुहैया की जा रही है। जो जिनके लिए फाइनेंस पैसा मसला नहीं है वो तो महंगे से महंगे स्कूल में भी पढ़ा लेते हैं और उसके बाद बाहर भेज के हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से भी पढ़ा लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इलीट क्लास वो पैदा कर रहे हैं और हमारे जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनको क्लर्क बनाया जा रहा है गैर मियारी तालीम दे करके, और गैर मियारी तालीम और इंतहाई एक्सपेंसिव है जो हमारी रीच से ही बाहर होती चली जा रही है। ये जो स्कूल्स हैं आपने कहा कि माफिया बनते जा रहे हैं, अभी जो सूरत हाल है खासतौर से मैं अगस्त की बात करूंगा जब ये नया सेशन शुरू हुआ है, स्कूल ऐसा लग रहा है हाइपर मार्ट है, कोई एक दुकान है, शॉपिंग करने आप जा रहे हैं मजबूर, जहां से आपको मजबूरन लेनी है चीजें, किताबें भी यहीं से लेनी है, कॉपियां भी यहीं से लेनी है, मोजे दुपट्टे स्टेशनरी हर चीज आपको यहीं से लेनी है। मुझे ये समझाया जाए ये स्कूल है या कोई दुकान है, कोई हाइपर मार्ट है, क्या है आखिर ये, इनका एक्चुअली इनका असल में कारोबार क्या है? ये तालीम बेचते हैं, ये किताबें बेचते हैं, ये कॉपियां बेचते हैं, ये कपड़े बेचते हैं, ये जूते मोजे बेचते हैं, दुपट्टे बेचते हैं, इनका असल में एक्चुअली कारोबार क्या है? सही। अच्छा अतीक सर, ये भी आप लोगों ने कल काफी पुरजोर एहतजाज भी किया है तो उसके अगेंस्ट कुछ हल निकला, कुछ फायदा हुआ उसका एहतजाज का? एहतजाज तो हमने किया है, अतीक साहब लोगों ने नहीं। मैं आपसे कह रही हूँ अतीक साहब की तरफ आऊंगी, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही कुछ हल निकला एहतजाज करने का? देखिए एहतजाज का आउटकम ये हुआ है जो रस्मी आउटकम है फिलहाल, और हम इस आउटकम को तो समझ रहे थे कि आएगा। हमने एक 29 नुकाती एजेंडा और मुतालबा जो है वो पेश कर दिया डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर। उन्होंने हमसे अब आइंदा जुमे वाले दिन आइंदा मंगल वाले दिन के लिए कहा है कि हम इस पे बैठेंगे। उन्होंने हमें भी बुलाया दोबारा और तफसील से बात करने के लिए कहा है, और वादा उन्होंने यही किया कि हम कोशिश करेंगे कि आपके जो मुतालबात हैं उनको मान लिया जाए। लेकिन हम ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर वो यहाँ पे मसला हल नहीं हुआ तो हमारा अगला हदफ होगा वजीर तालीम के दफ्तर के सामने, और वहाँ भी मसला हल नहीं हुआ तो उसका अगला हदफ होगा वजीर आला के। सही, अतीक साहब की तरफ बढ़ूंगे। अतीक साहब आप बताइएगा कि हर साल एहतजाज होता है पेरेंट्स की जानिब से, हर साल ये मसला होता है, हर साल फीसों में मनमाना इजाफा होता है, क्यों आखिर ऐसा, क्यों कोई पूछने वाला नहीं है, आप लोग क्यों इस तरह की चीज़ें करते हैं? अभी आप लोगों ने फीस बढ़ाई है, कह रहे हैं कि जी आप लोगों के खुद पेरेंट 35% में अखराजात में कुछ इजाफा हुआ है, वो क्या इजाफा जिसकी वजह से पेरेंट्स के ऊपर बोझ आ जाता है फीस का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एक तो ये बात बताना चाहूंगा, प्राइवेट स्कूल्स जो है ना वो मुख्तलिफ कैटेगरीज के लाए कर रहे हैं हमारे पूरे मुल्क के अंदर, जिसके अंदर आप समझते हैं कि सबसे कंप्यूटर जो है ना वो प्राइवेट स्कूल एजुकेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी नहीं कर पा रही है। आप सोचें अगर प्राइवेट स्कूल्स ना हो, जिसमें आप समझें कि एक कोरंगी टाउन का स्कूल है जो कि सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए चार्ज कर रहा है, एक कोरंगी का स्कूल है जो बहुत मिनिमम स्कूल पे चार्ज कर रहा है, आप ये समझने की कोशिश करें कि 95% जो है बहुत ही कम फीस चार्ज करने वाले स्कूल है जो अंडर 5000 है। तो आप ये समझें कि जो प्राइवेट स्कूल सेक्टर है आप उसको माइनस नहीं कर सकते। अगर आप खुद अपने आप से भी पूछेंगे अगर प्राइवेट स्कूल ना हो तो हमारी एजुकेशन तो पूरी के सारे तो अतीक सर क्या इसका बेनिफिट उठाया जाता है अपनी मनमानी फीस लेके, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ही नहीं? मैंने अर्ज किया आपसे कि 95% जो है वो बहुत कम फीस चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हाँ हम बिल्कुल इस बारे में आपकी बात से एग्री करेंगे, जो बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं या फिर जो कि बहुत ज्यादा उसके अंदर इजाफा करते हैं बगैर उसके अप्रूवल के, तो हम बिल्कुल इस बारे में
अटेम्प्ट करते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। लेकिन अतीक साहब, इसके अलावा कॉपीज का भी तो इशू है, स्टेशनरी का भी तो इशू है। वो भी है कि नॉर्मल कॉपी आपको एक सस्ती सी मिल जाती है, लेकिन अगर उस पर ही स्कूल की स्टैंप लग जाती है, स्कूल का कवर आ जाता है, तो वही कॉपी आपको 250 की एक कॉपी मिलती है। और दूसरे में सोने पर सुहागा ये मसला होता है कि एक माफिया बनी हुई है इस चीज़ की, कि बुक स्टोर्स की, कि अगर एक किसी सपोज किसी भी एक्स वाई जी एक मोहल्ले का स्कूल है, तो उसी स्कूल की आपको बुक शॉप पर मिलेगा। अगर उसी बुक शॉप की ब्रांच कहीं और किसी और एरिया में है, तो वहाँ से आपको बुक्स या कॉपीज नहीं मिलेंगी, वो आपको वहीं भेजेंगे कि जी अपने एरिया की बुक शॉप पे जाएं। कमीशन बेस है, चीज़ें क्या है, पेरेंट्स परेशान फिरते रहते हैं। अभी भी सेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कहीं भी पूरा कोर्स आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है, वो एक अलग चीज़ है। दो सवाल है, जहाँ पूरा कोर्स नहीं मिल रहा है, ऑफ कोर्स वो तो पब्लिशर्स जो है वो उस जो सप्लाई है उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो तो एक डिफरेंट इशू है कि पब्लिशर्स का इशू आता है। लेकिन जहाँ तक रही कोर्स के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि मोस्टली स्कूल जो हमारे पास डेटा है वो अपने पास से, ये पब्लिक का नहीं है, ये भी कारोबार ही बनाया हुआ है कि आपको जो बुक नहीं है, पहले मार्केट में बुक शॉर्ट की जाती है, जब मार्केट में बुक शॉर्ट हो जाती है, सेशन थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, टीचर्स वहां से प्रेशराइज करती हैं बच्चों को, बच्चे जाकर दोबारा जाते हैं, फिर अपनी मनमानी महंगी बुक्स दी जाती है। यानी कि आप सोचें कि 2000 की एक बुक मिल रही है अगर आपको ग्रेड 6 की, तो आप सोचें बाकी चीजें आप यहाँ से क्या लेंगे, कहाँ अफोर्ड। ये जो बुक्स बेसिकली और जी जाफरी साहब, इसका इनका एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है जो हमसे रिलेटेड नहीं होता है। पब्लिशर और होता ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंपोर्ट होता है, उसमें उन्हें बहुत इश्यूज आए पेपर की कॉस्ट। एक सेकंड जाफरी साहब का एक मौकिफ ले लें, उनसे मैं फिर आपकी जाने भी बढ़ती हूँ। जी जाफरी साहब क्या कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। होता असल में होता ये है, कहानी किस्सा और साजिश कह लें इसको जो भी आप कहें, वो ये है कि जो फहरिस्त होती है किताबों की, वो उसूलन मिल जानी चाहिए स्कूल खुलने से, सेशन स्टार्ट होने से कम 15 दिन पहले। लेकिन अगर फहरिस्त दे दी जाए तो वो किताबें जो उर्दू बाजार से आसानी से खरीदी जा सकती हैं, जो दूसरी जगहों से करीब की दुकानों से खरीदी जा सकती हैं, पेरेंट्स वो खरीद लेंगे। स्कूलों ने अब फहरिस्तें देना ही बंद कर दी हैं, वो कहते हैं जी फला जगह जाएं, हमारे पास फहरिस्त नहीं है। स्कूल उस वेंडर को इल्म है कि हम कौन सी किताब पढ़ा रहे हैं, आप उनसे खरीद लें। इस हद तक गिरावट का मुजाहरा हो रहा है, और ये एक स्कूल की बात नहीं कर रहा मैं, ये बेशुमार स्कूल यही करते हैं। ये पब्लिशर वगैरह सबका बहाना है कि पब्लिशर ने अगर नहीं किए तो आप क्या उनसे रबते में नहीं है, कि आपने कभी उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की कि सेशन शुरू होने से पहले पहले ये सब कुछ हो जाना चाहिए, क्या ये आपका उनमें कोई रबता नहीं है? ये लेट्स आस्क अतीक साहब रिस्पोंड प्लीज। राइट जाफरी साहब, पॉइंट आ गया आपका, अतीक साहब रिस्पोंड प्लीज। जी बिल्कुल देखें, ये बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को, और हम भी इसके विक्टिम है ना। हमें हमारे टीचर्स को बिल्कुल पढ़ाना है, और हम बिल्कुल असातिज़ा पढ़ाना चाहते हैं, टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, एजुकेशन इनकलकेट करना चाह रहे हैं बच्चों में। लेकिन मसला ये आ रहा है कि पब्लिशर्स का जो इशू आता है, जो पूरे साल प्रॉब्लम रही, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जो कि हमारे इल्म में है, कि उन्हें पेपर बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पेपर की शॉर्टेज है, बुक्स नहीं छप पा रही हैं, और ये पूरे साल इन्फ्लेशन के इश्यूज रहे, ये बिल्कुल उनके एंड पर है। लेकिन ये हमारा एरिया नहीं है, हम कोशिश कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम गवर्नमेंट से बोल सकते हैं कि शमसी साहब आपके एरिया का एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। आपके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, कभी आपने उनकी बुक्स का ऑडिट करते हैं आप लोग, क्या आप चेक करते हैं कि कौन सा स्कूल कितना प्रॉफिट कर रहा है, कैसे प्रॉफिट कर रहा है, कितने बच्चे पढ़ा रहा है, कितनी फीस ले रहा है, कोई मैकेनिज्म है आपके पास इस चीज के लिए? देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बेसिकली रेगुलेटरी अथॉरिटी जो डायरेक्टरेट है, वो फीस को उसमें तमाम स्कूल्स के पाबंद है कि वो अपने अप्रूवल्स लेता है डायरेक्टरेट से। ये इसके मामलात हैं, डायरेक्टरेट देखता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है। हम इसमें अथॉरिटी नहीं है कि किसी स्कूल के अंदर जाके इंस्पेक्ट कर सकें कि भाई उसकी क्या अकाउंट्स हैं, तमाम तरह चीज़ें। जी लेकिन अतीक साहब, आप लोगों ने भी तो एक एवरेज फी स्ट्रक्चर रखा होगा ना, कि इससे ज़्यादा कोई भी स्कूल चार्ज नहीं कर सकता या इतना कर सकता है, एक एवरेज फी स्ट्रक्चर क्या रखा हुआ है आप लोगों ने, जिसके अगेंस्ट आप चेक तो कर सकते हैं स्कूल में जाके? जी मैं समझ सकता हूँ। देखिए, ये डिपेंड कर रहा है किस एरिया में स्कूल है। अगर कोई स्कूल औरंगी टाउन में है तो ऑफ कोर्स वो रेंट औरंगी टाउन के हिसाब से है। अब औरंगी टाउन की बात है, बाकी नॉर्मल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास सब वहीं पे ही जाते हैं। अगर आप बात, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप बात करें PCHS की, तो वहाँ का जो रेंट क्राइटेरिया उससे 100 टाइम ज्यादा है, 100 टाइम ज्यादा है। वहाँ के
जो एजुकेशन के जो जो टीचर्स हैं वो भी उसी हिसाब से आ रहे हैं, वहाँ के एक्सपेंसेस उस हिसाब से हैं, तो जो है वो उस एरिया के हिसाब से स्कूल उस एरिया के कर रहा है। देखिए अंदाजा मैं आपको बता दिया मैंने कि 95% स्कूल 5000 से कम चार्ज कर रहे हैं मोस्टली। हम चूंकि कौन से स्कूल हैं, प्लीज मैं चाहूंगी कि इनकी एक लिस्ट जनरेट की जाए, वो बताई जाए ताकि हम भी मीडिया वाले आगे लोगों को बता सकें कि ऐसे कौन से 95% स्कूल हैं जो 5000 तक या 5000 से कम फीस चार्ज। उसमें बहुत सारे मेगा सिटीजन फाउंडेशन के भी होंगे ना, वो तो फ्री में ही पढ़ाते हैं शमसी साहब। मैं इसमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन बहुत ताबून कर सकता है, हमें ऐसा में ना बड़े स्कूल के नाम नजर आते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि आप अगर वो छोटे स्कूल वो स्कूल्स जो कि लेस फीस चार्ज कर रहे हैं वो जिनको हम नहीं देख पा रहे तो उन वो तमाम पूरे कराची के पूरे तमाम एरिया में फैले हुए हैं। बिल्कुल है। राइट, जाफरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जाफरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जाफरी साहब, दो बातें तला आपने मैकेनिज्म की बात की थी, अतीक साहब ने कहा कि हम अथॉरिटी नहीं है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन अथॉरिटी है इसको इंस्पेक्ट करने का। मंतकी तौर पे इनकी बात दुरुस्त है कि अथॉरिटी वही है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि ये एक एसोसिएशन के एसोसिएशन चला रहे हैं और एसोसिएशन के अपने एक आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, और उसमें ये बात लाजमी होनी चाहिए कि अगर कोई मेम्बर गैर कानूनी काम करता है तो वो या तो उनकी उसकी मेम्बरशिप खत्म होनी चाहिए बल्कि उसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। तो इनको अपने मेंबर्स पर नजर रखनी चाहिए कि कौन कानून के साथ स्कूल चला रहा है और कौन कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए स्कूल चला रहा है। तो ये इनका भी काम है, ऐसा नहीं है कि सारा काम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का है। और 95% जो बात हो रही है कि 5000 से कम वाले स्कूल हैं, 95% है या 50% है बहस इसकी नहीं है। बात यह है कि चाहे 2000 फीस लेने वाला स्कूल हो चाहे 1,00,000 रुपए फीस लेने वाला स्कूल हो, वो कानून की पाबंदी कर रहा है या नहीं कर रहा है। 2000 वाले ने 2000 अप्रूव कराई है या नहीं कराई है, 1,00,000 वाले ने अप्रूव कराई है फीस या नहीं कराई है। जब पेरेंट्स बच्चों को दाखिला दिलाते हैं तो वो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक उस स्कूल में भेजते हैं जहां अपनी इस्तेदाद के मुताबिक वो बेहतर से बेहतर तालीम दिला सके। जो 2000 में भेज रहा है, आप अंदाजा कर लें कि उसके लिए 2000 भी 1,00,000 रुपए के ही बराबर है। अगर वो उससे ज्यादा अफोर्ड कर सकता था वो 5000-10000 वाले स्कूल में भेजता, लेकिन जब वो 2000 रुपए अगले साल 2200-2300 रुपए हो जाते हैं तो सुनने में शायद 200-300 रुपए बहुत कम लगे, लेकिन ये 200-300 रुपए पर बच्चा उसके ऊपर पहाड़ की तरह टूटते हैं। सही कह रहे हैं आप जाफरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ, अतीक साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन ये बहस एक ऐसी बहस है कभी खत्म ना होने वाली इस बहस का मैं इसे कंक्लूड ऐसे करूंगा कि जब तक रेगुलेटर सही नहीं होंगे, जब तक हुकूमत सिंध अपना काम नहीं करेंगी, 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम तर चीजें वफाक ने सूबों को दे दी हैं, और सिंध का आपको मालूम है कोई भी काम करवाना हो दफ्तर में जाओ कायदे आजम जिंदाबाद, और ये 2000 भी अप्रूव हो जाएंगे, 1,00,000 भी अप्रूव हो जाएगा, 10,00,000 की फीस भी रखेंगे ना तो ये रेगुलेटर्स अप्रूव कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सिंध में काम कैसे होता है तो सबको मालूम ही है ना। एग्जैक्टली राइट, इसे सिंध में भाई किया इलेक्ट्रिक यकीनन बहुत बड़ा इदारा है, कराची के 2-3 करोड़ की आबादी को बिजली फराहम करता है, और किया इलेक्ट्रिक आजकल बड़े कमाल काम कर रहा है। अब ये देखिए एक बिल हमारे दोस्त का आया जिसके सिर्फ 4 यूनिट इस्तेमाल किए हैं और 10,000 से ऊपर का अगले का बिल आया है। अंदाजा कीजिए 4 यूनिट पे 10,000 का बिल। सोचने की बात यह है कि ठीक है आपको अगर लूटना है, आवाम का खून चूसना है, आवाम की जान लेनी है तो ले लीजिए, लेकिन कुछ सोच समझ के तो लीजिए। 4 यूनिट में कौन 10,000 का बिल देगा? कोई इंसान का बच्चा कर सकता है ये काम? मतलब कोई सिस्टम, कोई कंप्यूटर, कोई ऑडिट, कोई चेक्स, कोई बैलेंसेस, कुछ भी नहीं है। ऐसे वाजे हो रहा है कि किया इलेक्ट्रिक ने सोच लिया कि जो हुकूमत हम पे टैक्सेस का बोझ डालेगी हमने वो कुछ नहीं देना है, हमने सीधा आवाम को ट्रांसफर कर देना है। जब ये इदारे इतने प्रॉफिट्स कमाते हैं, इतने बिलियंस ऑफ रुपीस का आमदन कमाते हैं, तो ये कुछ तो हुकूमत का लोड बर्दाश्त खुद भी करें या सब सार्फिन के ऊपर डाल दें। सैडली किया इलेक्ट्रिक ने सोच लिया है कि हम एक्स्ट्रा GST फर्दर GST भी लगाएंगे। किया इलेक्ट्रिक ने सोच लिया है कि हम फ्यूल सरचार्ज भी लगाएंगे। ये लोग देखें वर्दा जो एहतजाज करते करते बेहोश हो जाते हैं सड़कों पर, हर रोज कोई ना कोई सड़क पाकिस्तान की ब्लॉक होती है बिजली के बहरान की वजह से। अब 4 यूनिट इस्तेमाल करके 10,000 का बिल आना, इस तरह लोग का एहतजाज करते हुए बेहोश होना, मुल्क में सैलाबी सूरत हाल होना, हुकूमत किसी और काम में मसरूफ है, वेरी सैड द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट ना अहली उरूज पर है, 4 यूनिट के ऊपर 10,000 का बिल। और ये भी आपको बताऊं, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी होते हैं। मैं मानता हूं कि वो 1-2 महीने पहले के होते हैं, वो 1-2 महीने के बाद लिए जा रहे होते हैं, वो भी लोगों को बहुत सारे लगाते हैं। मैंने एक और बिल नहीं भेजा,
लेकिन तला इस वक्त ये है कि मुल्क में हर तरफ जहां महंगाई का सुनामी है और ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ बिजली के बिलों में रिलीफ देने का ऐलान किया है, लेकिन 1,71,00,000 सारिफिन को किस तरह रिलीफ दिया जाएगा ये अब भी एक सवाल है, क्योंकि हर तरफ महंगाई महंगाई है और हम पाकिस्तानी इस महंगाई की सुनामी में मुसलसल गोते ही खा रहे हैं। ऐसे में हमारे फ़ोन का बजट भी मुसलसल बढ़ता ही चला जा रहा है तला। जी हाँ। लेकिन अगर मैं इस महंगाई के दौर में भी कुछ अच्छी खबर सुना दूं तो कैसा रहेगा, हमारे व्यूअर्स यकीनन खुश हो जाएंगे। इस वक्त मेरे पास एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, और वो ये है कि यूफोन ने फिर एक कारनामा सरंजाम दे दिया है और पाकिस्तानियों पर महंगाई का बोझ कम करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है, क्योंकि ये सबको पता है कि अब सस्ते में कहाँ कुछ मिलता है, लेकिन यूफोन 4G ने दी है सबसे बड़ी ऑफर, वो भी सबसे कम पैसों में, और आप इंजॉय कर सकते हैं फ्री अनलिमिटेड ऑन नेट कॉल्स एकदम एक्स्ट्रा, तो है ना मुनासिब से बड़ी ऑफर। अच्छा अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप वीकली सिर्फ 299 रुपए में क्या क्या हासिल कर सकते हैं। आप हासिल कर सकते हैं पूरा 40 GB हाई स्पीड डेटा, जी हाँ 40 GB हाई स्पीड डेटा, और इसके साथ यूफोन और PTCL पर जितनी चाहें आप कॉल्स करें बिल्कुल फ्री, यानी कॉल्स भी फ्री और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भी कोई बाउंड्री नहीं है अब आपकी, आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, और एक हफ्ते में इतने कम रेट में यूफोन के अलावा इतनी बड़ी ऑफ़र और कोई नहीं दे सकता। तो आप इस ऑफ़र को हासिल करने के लिए अभी और इसी वक्त अपने करीबी दुकान पर जा सकते हैं जहां आप रिचार्ज करवा सकते हैं, या आप यूफोन फौरी ऐप जो है कोई भी ऐप आप यूज़ कर सकते हैं यूफोन की, उससे भी ये ऑफ़र ले सकते हैं यूफोन 4G ऐप से, या फिर किसी भी ऑनलाइन आप पेमेंट ऐप से इस ऑफ़र को अपने पास डलवा सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे PCR से सारे लोग भाग गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम जल्दी से इस ऑफर को अवेल करके वापस आएंगे, तो हम भी एक ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं यूफोन 4G ऐप पे जा रही हूं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और जिस तरह का मौसम चल रहा है खुशगवार और मज़ेदार, साथ हमने सोचा क्यों ना हम आपको थोड़ी सी वेदर अपडेट दे दें ताकि आप आज शाम के लिए पकौड़ों और समोसों का और गर्मा गर्म चाय का इंतज़ाम कर लें। खैर जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि कल दोपहर 2 बजे के बाद सिंध में एक बहुत ही हैवी रेनफॉल सिस्टम एंटर हो चुका है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये देखिए कितना ज़्यादा सिंध पर इस वक्त बादल पूरे छाए हुए हैं और कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक बारिश का पूरे सिंध में एंटर हो चुका है, जिसकी वजह से हमने देखा कि कल दोपहर 2 बजे के बाद कराची के कई बेशतर और सिंध के कई बेशतर इलाकों में हल्की फुल्की बारिश भी हुई है, और अभी सुबह से सिलसिला बारिश का जारी है कराची में, और महकमा मौसमियात पाकिस्तान की जानिब से आज पंजाब के कई शहरों में मौसम गर्म रहने का इम्कान है लाहौर में, लेकिन वहाँ भी कल हल्की फुल्की बारिश देखने को हमें मिली। दूसरी तरफ शुमाली और मशरकी बलोचिस्तान के साथ साथ बलाई सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के नए स्पेल का आगाज़ हो चुका है, जबकि हम बात करें आज 24 अगस्त की तो जनूबी पंजाब में भी बारिशों का इम्कान है और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने को तैयार हैं। आज कराची में हम सब जानते हैं कि सुबह से कई मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानब अब सुबह पंजाब की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पंजाब की साइड पे भी बादल इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है, और इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो वहाँ भी मौसम खुशगवार रहेगा, और लाहौर की जानब अगर हम बढ़ें तो आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत लाहौर में 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है हमारे शो में, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सिस्टम कब तक और मज़ीद जारी रहेगा, क्योंकि बलूचिस्तान का ऑलरेडी हम जानते हैं कि सैलाब से बहुत बुरा हाल है सिंध बलोचिस्तान जनूबी पंजाब, और मजीद कितनी बारिशें रहेंगी। जी सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। जी सरदार सरफराज से बताइएगा कब तक ये सिस्टम मजीद आगे रहने का इम्कान है। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। ये सिंध की हद तक तो कल तक है, कराची में भी और बाकी बकिया सिंध में भी कल शाम तक चलेगा इसी तरह सिलसिला। कराची में इतनी बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं है, किसी किसी वक्त थोड़ा तेज स्पेल हो सकते हैं, जैसे आज सुबह में तेज शावर्स हुए, अलबत्ता बाकी इंटीरियर सिंध में खासा तेज स्पेल है, हैदराबाद में 100 मिलीमीटर से ऊपर हो गई, बदीद में 90 से ऊपर हो गई, इस तरह मीरपुर खास नवाबशाह और दूसरे जो खैरपुर सक्कर इन सभी डिस्ट्रिक्ट में
लॉजिस्टिक्स में तेज स्पेल मतवक है, आज भी वक्फे वक्फे से और कल भी, कल शाम तक बल्कि रात, कल रात तक ये सिलसिला जाकर थमेगा और फिर बलोचिस्तान पर तो 26 और बल्कि कुछ इलाकों में 27 तक चलेगा ये सिलसिला, और जनूबी पंजाब में भी और फिर ऊपर केपी में और नॉर्थ पंजाब में और फिर सेंट्रल पंजाब, और इस तरह से ये अगले 3-4 दिन पूरे मुल्क में। सरदार साहब, ये हम सुन रहे हैं कि 3 और हैवी सिस्टम सिंध को हिट करने के लिए रेडी हैं इस महीने में, सितंबर के महीने में, तो सिस्टम कितने हैवी होंगे और अभी ये स्पेल जो ख़त्म होने वाला है कल, अगर आप कह रहे हैं कि 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा पूरे मुल्क में, तो अगला सिस्टम कब एंटर होगा? तीन सिस्टम पता नहीं किसने कह रही है सितंबर में, अभी से उनको कैसे नजर आ गए तैयार, ये ऐसी फजूल बात है वो। अच्छा। देखिए ये 26 के बाद या 27 के बाद इम्कान ये है कि एक ब्रेक आएगी 5-7 दिन की कोई, उसमें बहुत तेज स्पेल नहीं होगा, इक्का दुक्का जगहों पे मॉडरेट लाइट रेन, लाइट टू मॉडरेट तो हो सकती है, लेकिन 27 से ऑनवर्ड फिर 3 या 4 सितंबर तक कोई ऐसी मेजर बारिश नहीं होगी कम अज कम सिंध में और बलूचिस्तान में भी और ऊपर भी नॉर्थ में भी इतना बहुत। वैसे तो 15 सितंबर तक अमूमन रहती है मानसून हवाओं का दाखिला रहता है पाकिस्तान में और बारिशें कभी जाहिर है लाइट और कभी मॉडरेट हैवी हो सकती हैं, लेकिन सितंबर के शुरू के दिनों में 3-4 सितंबर तक एटलीस्ट कोई ऐसा हैवी स्पेल नहीं है, उसके बाद देखते हैं फिर, उसके बाद फिर आगे देखी जाएगी सूरत हाल क्या है, तो फिर हम आपसे ज़रूर अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि जी ऐसा कोई 3 सिस्टम एंटर होने वाले नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा था कि 3 सिस्टम सिंध को हिट करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगे और मिड सेप्टेम्बर तक बारिश चलेगी, लेकिन ऐसे कोई इम्कान नहीं है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने ये बात क्लियर कर दी है कि अभी इस बारिश होगी उसके बाद 3-4 सेप्टेम्बर तक बारिशों के कोई इम्कान नहीं है। ये तो थी वेदर अपडेट, अब चलते हैं तलहा की जानब। मौसम का हाल तो आपने जाना, मुल्क भर में इस वक्त पोलियो कैंपेन भी जारी है और पोलियो से बचाव के लिए आपके दरवाजों पर हेल्थ वर्कर्स आ रहे हैं, उनसे जरूर 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 तावन कीजिए और अपने बच्चों को 2 कतरे जरूर पिलवाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हंसते खेलते रहे और उनका मुस्तकबिल भी ऐसा रहे, तो बहुत जरूरी है कि इस पोलियो के मर्ज को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से खत्म किया जाए। मेरे साथ एक बड़े प्यारे मेहमान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आमिर अली साहब, आप सोशल मोबिलाइजर हैं और बड़े खास शख्सियत के मालिक हैं। कल भी जो एक्सपर्ट्स हमारे शो में आए थे उन्होंने कंफर्म किया था कि 3 ऐसे मुल्क हैं जहां पर अभी पोलियो वायरस बाकी है, बाकी दुनिया में पोलियो वायरस का खात्मा हो चुका है बट सैडली पाकिस्तान में नहीं हुआ है। मेरे साथ बड़े अच्छे मेहमान हैं, आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आपका ताल्लुक सुवात से है, मैं देख रहा हूँ आप पोलियो के खुद पेशेंट भी हैं, आप शिकार हुए हैं इस मर्ज का और आप जिंदगी लीड कर रहे हैं इस प्रॉब्लम के साथ, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? मैं चाहता हूं कि पोलियो के पेशेंट के प्रॉब्लम्स हमारे व्यूअर्स को, पाकिस्तान वालों को मालूम पड़े ताकि उनको एहसास हो कि अपने बच्चों को इस खतरे में डाल रहे हैं। आमिर, बेसिकली हमारे चैलेंजेस बहुत होती हैं। देखिए मेरे साथ जैसे हुआ तो मैं नहीं चाहता कि आने वाला जो हमारा बच्चा हो वो इस तरह मतलब मजबूर हो, उनके पेरेंट्स के लिए मतलब तकलीफ़ का बाइस हो। और चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि हमें जो है ना काफ़ी जगह फेस करने होते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो रिफ्यूज़ कर जाते हैं, उनको इनके लिए मतलब हमने कन्वेंसिंग, डोर टू डोर मोबिलाइजेशंस एक्टिविटीज़, सीए सेशंस, मदर सेशन, फादर सेशन और ये ऐसी एक्टिविटीज़ हम अरेंज करते हैं और उसमें जो है ना हम उनको अवेयरनेस देते हैं, उनको बताते हैं कि आया कि हमारे साथ मेरे साथ बेसिकली हुआ है कि आपके बच्चों को ना हो इस तरह सा। आमिर, आपके भी पोलियो ड्रॉप्स मिस हुए थे या आपकी वैक्सीन मिस हुई थी या पेरेंट्स इस चीज़ को अग्री नहीं करते थे पोलियो के ड्रॉप्स को पिलवाना? मैं चाहूँगी ताकि मैं आपकी स्टोरी जाऊँ ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले। बेसिकली आई एम बॉर्न फ्रॉम कराची एंड आई एम बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ सबात से, तो मैं जो है ना कॉलेज यूनिवर्सिटी यहीं से पढ़ा, फिर उसके बाद जब मैं पैदा हुआ तो मुझे जो है ना मेरी मदर कहती है कि आपको हमने ड्रॉप्स नहीं पिलाए क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, उन्होंने कहा कि ना हमने इंजेक्शन लगाए ना हमने पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए। तो मेरी मम्मा अब भी मुझसे ये कहती हैं कि काश हमने वो 2 कतरे पिलाए होते तो आज हम आपके साथ ऐसा ना होता। आपने सोशल मोबिलाइजर भी है, आप कैंपेन भी चलाते हैं पोलियो का, वैक्सीन भी कतरे भी पिलवाते हैं घर घर जाके, क्या चैलेंजेस उस वक्त से सामने फेस करते हैं आप? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लोग बच्चे छुपा देते हैं, नहीं पिलवाते कतरे, आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? अब
जब मैं उनको जब ये बताता हूँ, जब मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, मेरे 8 ऑपरेशन हुए हैं, बेसिकली पोलियो का कोई इलाज नहीं, लाइलाज बीमारी है, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे कहाँ किन हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जब मैं अपनी स्टोरीज उनके साथ शेयर करता हूँ तो वो कहते हैं यार आप, मैं कहता हूँ आप सुबह जॉब पे जाते हैं, आप, आपकी वाइफ भी जॉब पे जाती हैं, आप भी जॉब पे जाते हैं, और समथिंग आप लोग की फैमिली में कोई होता है जो बच्चे की देखभाल कर रहा होता है, आया वो बच्चा आपके घर में ही है, उसको 2 कतरे पिला दिए, इट्स नॉट अ बिग डील कि आपने पिला दिए, ये उससे माजूरी से बच गया, लेकिन अगर आप काम पे ना जाएंगे तो आप खाएंगे क्या? आप खाएंगे क्या? आप पिएंगे क्या? मतलब आप बच्चे को क्या देंगे? आप स्कूल लेके उनको कैसे आप पढ़ाएंगे? लेकिन आमिर, हमारा सवाल यहाँ पे ये है, हम रिपीट करना चाहते हैं आपसे कि जब आप लोगों के घरों पे जाते हैं उनको अवेयरनेस देने के लिए, वालदैन से मिलते हैं या घर वालों से मिलते हैं, तो किस तरह की आपको शिकायत का या मुखालफत का सामना करना पड़ता है कि वो क्या सवाल, किस तरह के सवालात करते हैं, क्यों वो अग्री नहीं है पोलियो के ड्रॉप्स पिलवाने पे? इतनी कैंपेन्स चलती हैं, आप लोग इतना काम करते हैं, हेल्थ वर्कर्स आते हैं, उनके साथ इतना रूड बिहेव किया जाता है, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि लोगों का रद्द अमल क्या होता है आपके साथ? देखिए बेसिकली जब लोगों को, जब हम जाते हैं, वो रिफ्यूज़ इस वजह से करते हैं कि हमने अभी तो अभी पिलाया था, मीन्स वो तो कहते हैं हमने अभी पिलाया था, 1 महीना हुआ हमने पिलाया हुआ, फिर उसके बाद हम कैसे, लेकिन जो जो हमारा वायरस आप कैसे है, चेक कर, क्या कोई सिस्टम होता है चेक करने या कि 1 महीना पहले पिलाया कि नहीं पिलाया? बेसिकली नहीं, हमारे पास जो फिंगर मार्क होता है, फिंगर मार्क हम लगाते हैं, ठीक है, हर बच्चे का डोर टू डोर हमारे पास डेटा होता है। फिंगर मार्क आमिर कितने दिन रहता होगा? वो 20 सर, बेसिकली जब हम पिलाते हैं, वैक्सीनेट करते हैं, हमारे पास डेटा आ जाता है, आपने लिख दिया जहाँ पे पिलाए, हर घर में, मींस के हर टीम के पास, टीम के पास। लेकिन आमिर हर पोलियो वर्कर इस डेटा से कनेक्टेड होता है कि जब वो घर पे जाता है वो चेक कर सकता है डेटा में जाके, इस घर में पहले कब आए थे, कितने कतरे पिलाए थे? हमारे पास जो है ना, मतलब बेसिकली जो हमारे स्ट्रोक सीयूसीज हैं उसके अंदर हमारे पास काफी क्वान्टिटी में लोग हैं, SMs अलग हैं, सोशल मोबिलाइजर कैन कॉल मी लाइक मी, एंड उसके साथ जो हमारे पास मौजूद हैं CHW जो वर्ल्ड हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, ये हैं, उसके ऊपर क्राइटेरिया है सुपरविजन का, जो सुपरवाइजर होती हैं उसके ऊपर UC लेवल होता है, UC लेवल इज मैनेज करता है इन सारे, जो जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, जितने भी बच्चे आते हैं, वो डेली बेसिस पे हर चीज़ रिपोर्ट करवाते हैं, हमें पता कैसे चलता है कि वायरस है, हमारी बेसिकली हमारे पास जो इन्वायरमेंटल सैंपल होता है ये हर एरिया से जाता है, हर जगह से, हमें नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन हमारी ट्रेनिंग्स में हमें बताया जाता है कि इन्वायरमेंटल सैंपल से ही पता चलता है कि इस एरियाज में कितने वायरस मौजूद हैं। वायरस का खात्मा क्यों नहीं हो रहा आमिर आपकी नज़र में? क्योंकि हमारे लोग को मिसकंसेप्शन है, अवेयरनेस नहीं है, और उसी अवेयरनेस के लिए ही हम हैं, और इंशाल्लाह जब तक हम रहेंगे इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे अपने लोगों को। सही, आमिर मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आप भी इस पोलियो के मर्ज से गुजर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, उन माँ बाप को बताएं जो आज भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि पोलियो के ड्रॉप्स पिलवाने में थोड़ी सी कोताही बरत देते हैं या काम को ज़्यादा तरजीह देते हैं अपने, कि क्या कितना फ़र्क होता है एक नॉर्मल इंसान की लाइफ स्टाइल गुजारने में और एक इस तरह से पोलियो इफेक्टेड पर्सन की लाइफ स्टाइल गुजारने में, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको पूरी सोसाइटी में, काम में, हर चीज़ में? मैं आपको बताऊं, जब बेसिकली जब बच्चा होता है तो बच्चा माँ बाप के लिए जिम्मेदारी होती है, वो फिर जब मजबूर तो वो इन्फेक्ट हो जाता है वायरस से, तो वो उनके होता है, जब वो बड़ा होने लगता है तो उसको काफ़ी चैलेंजेस होने का, मतलब फेस करने होता है, वो स्कूल जाते हुए उसको, मतलब वो चाहता है कि मैं दौड़ूं, जैसे मैं अपने, आपको कौन सी एज में ये चीज़ सामने आई थी पोलियो? मुझे 4 साल की उम्र चार साल की उम्र में मुझे आया था, और मैं खुद सोचने लगता हूँ कि काश मैं भी भागता, काश मैं भी क्रिकेट खेलता, काश मैं भी फुटबॉल खेलता, लेकिन वो नहीं होता, वो चैलेंजेस वो फेस करता है, वो जो बच्चा होता है, जैसे मैंने फेस की अपनी लाइफ में, अपने करियर में, मुझे बॉलर बनने का बहुत शौक था, मतलब बॉलर बनने का, लेकिन नहीं बन पा रहा हूँ क्योंकि मैं इफेक्टेड हूँ पोलियो से, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैं औरों के बच्चों की ज़िंदगी बचा रहा हूँ, और माँ बाप जो जिनको अवेयरनेस मैं दे रहा हूँ, जिनको मैं बता रहा हूँ कि आपके बच्चों के साथ अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए।
सही, हमें यही बताइएगा, काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं और जाना भी चाह रहे हैं, आप खुद इस पोलियो की मुहिम पे काम भी करते हैं, लोग कहते हैं कि जी बच्चे को बुखार होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है, अभी हमारा बच्चा पैदा हुआ है, हमने वैक्सीन लगवाई है, ड्रॉप्स पिलवाए हैं, 20 दिन हुए हैं, फिर दोबारा से आ गए, तो क्या हर बार पोलियो के खतरे पिलवाना ज़रूरी है, वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है? मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप व्यूवर्स तक ये बात पहुँचाएं। देखिए, हमारे पास जो कैंपेन्स आती है वो इन द मंथ आती है और हर महीने में आती है, हर महीने में जो वैक्सीन का असर होता है वो 22 दिन तक होता है। सही, ठीक है, 22 दिन तक होता है, तो उसके लिए फिर भी हमने एक महीना रखा है, 45 डेज और समथिंग। तो उसमें ये होता है कि अगर आप बच्चे को पिलाएंगे तो ये जो है ना हर महीने होते हैं, जब आपका बच्चा हो जाता है उसके आपके पास कार्ड मिलता है, वो BCG का इंजेक्शन जब लगता है तो BCG का इंजेक्शन तब लगता है, उसमें वो बाकायदगी से मेंशन हुआ होता है कि OPV ओरल कार्ड पे जी और ओरल पोलियो वैक्सीन ये आपको पिला दी गई है। तो इस वजह से जो फिर 6 हफ्ते, फिर 14 हफ्ते, फिर इस तरह से वो क्राइटेरिया है। और जो हमारे पास है उसमें जो बायोवेलेंट ट्रायोवेलेंट हमारे पास वैक्सीन की डिफरेंट वो है एग्जाम है, तो वो वैक्सीन अब तो लोगों को नहीं पता कि ये वैक्सीन कौन सी है, सही, वो उनको तो पता नहीं है, लेकिन ये हम बताते हैं इसके ज़रिए CA सेशन, मदर सेशन, फादर सेशन, उनको कम्युनिटी इंगेजमेंट सेशन, ये करके हम उनको बताते हैं और उनको अवेयर करते हैं। हमें देही इलाकों में अक्सर ये कंप्लेंट सुनने में आती है कि ख्वातीन कहती हैं कि अक्सर पोलियो वर्कर्स उस टाइम पे घर पे आते हैं जिस वक्त कोई मर्द हजरात घर पे नहीं होते, और ये बात हम सब जानते हैं कि देही इलाकों में ख्वातीन खुद इंडिपेंडेंट नहीं होती डिसीजंस लेने की, या तो उनके घर के बड़े उनको आवाज़ आए कहते हैं कि जी नहीं पिलवाओ खतरे या पिलवा दो, या घर में कोई मर्द हजरात हो तो पिलवाएं, तो इसके लिए क्या किया जाए? हमारे पास बेसिकली एक सोशल मोबिलाइजर एक फीमेल होती है, हमारे पास 2 CHW जो वर्कर्स होती हैं फ्रंटलाइन और एक सुपरवाइजर्स होती हैं, इनकेस अगर वो मेल पहले फीमेल जाती है, नॉक करती है, नॉक करने के बाद उनके पास आते हैं और वो जो नॉक करने के बाद आते हैं उनको कहते हैं कि आपके बच्चे 5 साल के छोटे बच्चे हैं, वो बताती हैं क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड होता है और उस बेसिस पे हम जाते हैं और उनको बताते हैं। अगर हमारे पास रिकॉर्ड ना हो तब भी हम नॉक करते हैं, इनकेस वहाँ कोई गेस्ट भी आया हुआ होता है, गेस्ट को भी हम वैक्सीनेट करते हैं जी। तो ये हमारे पास एक वो है, हम हर घर जाते हैं और 2 कतरे बताते हैं और उनको हम बताते हैं, अगर मेल मौजूद ना हो उसके घर में तो हम कहते हैं कि ठीक है बाजी कोई मसला नहीं है, हम आ जाएंगे आपके पास बाद में शाम में इवनिंग एक्टिविटी हमारी होती है, तो हम इवनिंग एक्टिविटी में उनके साथ डिस्कस करके मॉर्निंग में फीमेल्स को बेच के हम कवर करा, यानी हर लिहाज से हर तरह से आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अब ये पेरेंट्स पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इसको अवेल करें, इग्नोर ना करें। आमिर ये बताइएगा कि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि जी हमने पोलियो के खतरे पिलाया था, हमारे बच्चे बीमार हो गए, बुखार हो गया या पेट ख़राब हो गया, तो इस तरह की कंप्लेंट्स कितनी आई हैं आपके पास, या ऐसे ही वाकई होता भी है कि नहीं होता? एग्जैक्टली ऐसा है, क्योंकि ये जो आजकल का मौसम चल रहा है, मानसून का मौसम है, डायरिया चल रहा है और काफ़ी चीज़ें चल रही है, हमारे पास एक डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स की पूरी टीम होती है, जैसे UCMO होता है, वो UCMO हमारे साथ हर घर पे विज़िट करता है, वो जहाँ पे ऐसे सिक बच्चे हमें मिलते हैं तो उस बच्चों के लिए हमारे साथ UCMO जाते हैं, वो डोर टू डोर, ऐसा नहीं होता है कि वो नहीं जाते, लेकिन उन सिख बच्चों के लिए घर तक जाते हैं, उनको बताते हैं और उनको चेक करवाते हैं। अगर उनके पास, हमारे पास ऐसे काफ़ी ISDs बनी हुई हैं जो वो टैबलेट्स वगैरह सिरप्स वगैरह देती है, हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इवन जब बीमार बच्चे होते हैं, अगर वो UCMO हमें कह देता है कि इनको नहीं पिलाना, तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं, हम नहीं पिलाते उसको, हम बाद में कवर कर देते हैं या बाद में उनसे बात करके जब वो बच्चा स्टेबल हो जाता है 2 कतरों के लिए या बुखार से या किसी भी बीमारी से, तो हम पिलवाते हैं। आमिर, थैंक्स टू इंटरनेशनल डोनर्स, पाकिस्तान में पोलियो कैंपेन चल रही है, आज से नहीं चल रही है, काफ़ी सालों से चल रही है, आपकी नज़र में पोलियो का खात्मा कब होगा पाकिस्तान से? इंशाल्लाह अगर ये 2 कतरे, मैं यही बोलूँगा कि ये 2 कतरे अगर आप पिलाएंगे तो खात्मा होगा, अदरवाइज़ अगर आप ये सुने कि वहाँ से ये हो गया, फलाना हो गया, ये इन्होंने कहा कि इससे बच्चे नहीं होते, नस्ल खशी होती है, ये होती हैं, ये बातें फजूल हैं, ये बातें खुद सबको एजुकेटेड हैं माशाल्लाह से, सब अवेयर को हम इसीलिए तो हैं सबको अवेयरनेस दे दें, हम सबको अवेयरनेस देंगे। मैं आपके चैनल के थ्रू तो उससे मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि 2 कतरे पिलाएँ अपने बच्चों को
और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं, उनको मुहल्लिक बीमारी से महफूज करें। आमीन आमीन। आप सवाल से आपको पश्तो भी तो बोलना आती होगी, आपकी लैंग्वेज से। मैं चाहूंगी पश्तो में आप एक मैसेज दें हमारे व्यूवर्स को कि वो अपने बच्चों को दो बूंद पोलियो के जरूर पिलवाएं। हर बार वो कतरे पोलियो तस्कोर राजी माओ दिदे वैक्सीनेट के पलवाड़ा खपल माशुमान आओ दी लचदे कना मोहलिक बीमारी नचदे कना खपलवाड़ा महफूज अकई। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर इंटरनेशनल डोनर्स ना होते तो क्या ये पोलियो कैंपेन होती पाकिस्तान में, क्या हमारे इदारे लायक हैं वो खुद चलाते? बिग क्वेश्चन। एक ब्रेक, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। थैंक यू आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और जैसे कि आप देख चुके हैं कि हमारे साथ आज कौन है, आज हमारे साथ बहुत ही फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, और जब भी ये आते हैं ये सबको कुछ ना कुछ आपको एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट पैकेज दे के जाते हैं, और इतने फेमस हैं काफ़ी टाइम से ये यहाँ पे थे नहीं, लेकिन अब वापस आ गए थे। हमने सोचा क्यों ना, मानसून सीज़न जारी हो चुका है और बारिश के इस मौसम में जहाँ नज़ला बुखार सबको हो रहा है, हर घर में हो रहा है, वहीं स्किन की दूसरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, जहाँ पे रिंग वॉर्म्स हो गया, इंसेक्ट बाइट्स हो गए, तो स्किन के मुख्तलिफ बीमारियां काफी ज्यादा सामने आ रही हैं। तो हमने कहा क्यों ना आज हमारे हम अपने आपके अपने द वेरी रिनोन डॉक्टर जावेद आलम को बुलाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत ही फेमस है और काफी हमें अच्छे सॉल्यूशंस भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। खैरियत से? ठीक हैं। वेलकम टू दुनिया बोल है एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतनी जबरदस्त क्लाइमेट में, बारिश में आप लोग सब अरेंज कैसे कर लेते हैं यार? मैंने कहा माशाल्लाह इस एनर्जी एंड सर्विस एंड टीम वर्क बहुत जरूरी है, और माशाल्लाह से आपको पता है कुछ भी जब हम भी प्रॉब्लम मौसम की इस तरह से तभी हम आपके लिए यहाँ पे होते ताकि घर बैठ के आप हमारा शो देखें, एंजॉय कर सकें। देखें पहले तो रहमत होती है, हाँ, फिर जहमत होनी शुरू हो जाती है। एक्चुअली यहाँ पे हमारे इस मुल्क में अलमिया ये है और शहर में इस अलमिया ये है कि हमारे पास इंतजामात नहीं है। बारिश तो सब जगह होती है, इस दफ़ा ज़्यादा हो गई, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं वो रोड ख़राब हो गई, पानी खड़ा हो गया, वो सब चीज़ें। डॉक्टर साहब सब कह रहे हैं कि हम लंदन फील कर रहे हैं, काश हम लंदन वाला एनवायरनमेंट भी फील कर सकते, सड़कें वैसी हो जाती, इंसेक्ट्स बाइट्स ना होते, इतनी गंदगी ना होती, exactly. ताकि हमें इतने मसाल का सामना ना करना पड़े। देखिए यहाँ पे बारिश तो हुई है, अब मैं पूरा कराची माशाल्लाह घूमता हूँ, पाकिस्तानी घूमता हूँ, बल्कि मुझे सक्कर लाड़काना जाना था तो इतनी तूफ़ानी बारिश पूरे सिंध में हो रही है, मैं बावरपुर मुल्तान भी था कि हम मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टेगनेंट वाटर है, बारिश हुई अब वो पानी नहीं निकल रहा है, अब वो पानी जब नहीं निकल रहा है तो उसमें हज़ारों किस्म की चीज़ें डेवलप हो रही हैं, पैदा हो रही हैं। सबसे ज़्यादा हमारे जो मच्छर होते हैं, इंसेक्ट्स, वो उसकी इंसेक्ट बाइट। आजकल मैं कोरंगी जा रहा हूँ, शाह फैसल जा रहा हूँ, नॉर्थ नाजमाबाद, मलीर, अब छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रही हैं माएँ, और उनके एक्सपोज एरिया जो हमारे हाथ पैर खुले हुए हैं उस पर बाकायदा, मैं खुद थोड़ी देर सोचता हूँ कि यार ये कौन सी डिजीज़, इतने बड़ी बड़ी इन्फेक्शन उनको डेवलप हुए हुए हैं। अच्छा, उनके यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हवा नहीं है, बारिश हुई, लाइट चली गई, सही, जब लाइट चली गई तो उसमें स्वेटिंग डेवलप हुई, मच्छर की मल्टीप्लिकेशन डेवलप हुई, तो वो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसी तरह फंगल इन्फेक्शन की अभी हम बात कर रहे हैं, घर में नमी भी हो जाती है इसकी वजह से आपके बहुत अंदर ही अंदर आपके इंसेक्ट्स डेवलप होते हैं। और डॉक्टर साहब एक मसला ये भी है कि एक इंसेक्ट्स आपको नज़र नहीं आते, आप रात में बेडशीट चेंज करके सोएं, सब क्लीनिंग करके सोएं, स्प्रेस करें, आप कुछ भी कहते हैं लिक्विड कॉइल जलाएं, कुछ भी जलाएं, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे इंसेक्ट बाइट्स के निशान होते हैं, स्पेशली बच्चों के पूरी बैक या लेग्स पे बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपने घर में कमरे में बच्चों को, बहुत से बच्चे होते हैं अटॉपिक बच्चे कहलाते हैं, उनके अंदर एलर्जी ज़्यादा होती है, नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा एलर्जी होती है, जब भी उनको मच्छर काटेगा उनको एलर्जी ज़्यादा होगी, उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, उसे अटॉपिक बच्चा कहते हैं, जिसके अंदर आईजीई लेवल बड़ा होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई लेवल बढ़ जाता है, ये नॉर्मली होता है, अटॉपिक चाइल्ड कहलाता है, उसमें एक्जिमा भी ज़्यादा कॉमन होता है और यह इंसेक्ट बाइट भी ज़्यादा कॉमन होती है। उसमें सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है, मैं सबसे पहले पेरेंट्स को कहता हूँ जाके नेट लगाओ, अपने कमरे को पहले जाली लगाओ जिसमें मच्छर नहीं आ सके, सही, सबसे पहले। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, वो एक टोकरी नुमा वो वाला सबसे जाली होती है, अब वो ज़माना चला गया है, अब वो मच्छर भी होशियार हो गए वो जब जाली हटती है अंदर एंटर होते हैं, नहीं मच्छर तो, होशियार भी हो गए और ढीठ भी हो गए, रेजिस्टेंस आ गया ना बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और जैसे जैसे चेंजेस आ रही हैं वो उनका रेजिस्टेंस डेवलप होता चला जा रहा है। तो सबसे पहले तो नेट लगाइए,
फिर एक्सपोज एरिया जो है आपका, एक्सपोज पोर्शन जो है बच्चों का, वो ढकें, उसको ढकना है आपको। माउथवेल मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, अगर इन्फेक्शन हो जाता है और एलर्जी कर रहा है, अगर जिन बच्चों को एलर्जी हो जाती है वो बच्चे डेवलप नहीं हो पाते, वो जब रात को सोएंगे वो स्क्रैच करेंगे, हो जाएंगे सही। वो रात को सो ही नहीं पाएंगे, उनकी ग्रोथ में फ़र्क आ जाएगा। तो उनको एंटी एलर्जी देना पड़ता है, अगर खुदा ना करे इन्फेक्शन हो रहा है तो उनको एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। और एक मैं सिंपल सी क्रीम का भी नाम बता देता हूँ, क्यों नेचुरली बेचारे सब लोग होते हैं, अगर इन्फेक्शन हो गया है तो फ्यूसरिन क्रीम लगा लें सबसे पहले। जी हाँ, और बच्चे बड़े हैं अकॉर्डिंगली उनको एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अगर इन्फेक्शन है तो किसी अपने जनरल प्रैक्टिशनर को दिखा लें, वो एक सिंपल एंटीबायोटिक दे देगा। नहीं तो उसमें बेस्ट चीज़ है क्या, एंटी एलर्जी कम से कम, है ना, कोई भी एंटी एलर्जी 1/4 में कम से कम एक चाय का चमचा चौथाई वो दें, पहले चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि कवर करें, क्योंकि जैसे वो कहते हैं कि सब हमारे यहाँ तो 10 बच्चे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको एलर्जी है तो उससे अवॉइड करना है। और सेंसिटिव ज्यादा होगा वो बच्चा, वो दिस इज कॉल्ड एलर्जी, एक्जिमा हो गया ना उसको। डॉक्टर साहब रिंग वर्म्स ही बहुत हो रहे हैं, बच्चों को भी हो रहे हैं रिंग वर्म्स बहुत ज्यादा, उसकी वजह क्या है? आपको मैं लिटरली बताऊं, मैं हैरान होता हूँ हमारी बुक्स में जो हमने पढ़ा है कि अंडर आर्म में, अंडर लेग में, सर में इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। अरे भाई मैं तो हैरान होता हूँ कि ऐसे नए नए चेहरे नज़र आते हैं उन फंगल इन्फेक्शन से। एक्चुअली प्रॉब्लम स्पेशली इन कराची, हमारा ह्यूमिड क्लाइमेट है। अच्छा, यहाँ पे फ्लैट सिस्टम है, फ्लैट सिस्टम ये है कि जो एक नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हैं उधर तो इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी, जो ऊपर की फ्लोर पे हैं उसमें ह्यूमिड बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, लोगों क्या ज़्यादातर सीलिंग फैन लगे हुए हैं और एसी नेचुरली सबके यहाँ तो नहीं लगा हुआ, बिजली का बिल इतना तगड़ा है कि वो हर आदमी एसी नहीं चला सकता। और ज़्यादातर लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो ऊपर ऊपर फ्लोर्स पे होते हैं, वो जितने ऊपर फ्लोर पे जाएंगे उतना ह्यूमिड का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। उनको फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है डेवलप, कि जब अंडर आर्म अंडर लेग में पसीना जमा होता है ना, स्वेटिंग जमा होती है, नमी होती है, क्योंकि वहाँ एयर नहीं क्रॉस कर रही होती है, थाई हैवी हो गई आपकी तो नेचुरली क्रॉस नहीं हो रहा है, अंडर आर्म नेचुरली वहाँ क्रॉस नहीं हो रहा है। ख्वातीन किचन में काम कर रही हैं, लाइट नहीं है, मुस्तकिल स्वेट कर रही हैं, तो अपने वो हिडन एरियाज जो आपके अंडर आर्म है अंडर लेग है उसको ड्राई रखें सबसे पहले। तो सही, आप पाउडर लगा के रख सकते हैं? नहीं, उसके लिए बेस्ट तरीका ये है, पाउडर भी, टेलकम पाउडर भी लग सकता है, लेकिन उसके लिए बेस्ट तरीका जो मैंने बुक्स में नहीं है, मैंने कहा है कि कॉटन के छोटे छोटे पीसेस बना लें, या हमारे यहाँ टिश्यू पेपर आ गए, अगर टिश्यू का नहीं नेचुरली इतना इस्तेमाल कर सकते पैसों के, तो अपने कॉटन के पीसेस करके इस एरिया को ड्राई रखें। इधर स्वेट करेंगे आप और फौरन फंगल इन्फेक्शन डेवलप होगा। अच्छा, फंगल इन्फेक्शन रेजिस्टेंस बहुत है, आप डिफरेंट डॉक्टरों के पेशेंट आते हैं और पेपर लेके आ रहे होते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमने कोई एंटी फंगल दिया, फिर एक दो दिन के लिए सेटल डाउन हो या फिर उसको रिलैप्स हो गया, तो इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिए, कोई भी एंटीसेप्टिक्स ना लगाइएगा, हमारे यहाँ ये रूटीन है, ज़रा सा कोई इन्फेक्शन हुआ और आपने, मैं नाम नहीं लूंगा, आपने लिया और आपने एंटीसेप्टिक मारा, उससे और एग्रेवेट हो जाएगा। तो आपको फंगल इन्फेक्शन आपको फील हुआ, अच्छा नेचुरली मेल है वो कंटिन्यूसली बैठा हुआ है ऑफिस में, चाहे एसी में बैठा है, फोम के गद्दे पे जब वो बैठा है, दिस इज ऑल एक्सपीरियंस, ये हमारी बुक्स में इतना नहीं लिखा हुआ है। सही। ये आप लेदर के चेयर पे आपका सुबह से शाम तक यहाँ पे 4-6 घंटे जो ड्यूटी दे रहा है वो लेदर की सीट पर बैठा हुआ है, जब लेदर की सीट पर वो बैठा है तो वहीं स्वेट कर रहा है बटक्स एंड थाई के बीच में, अब वो स्वेटिंग डेवलप होती चली जा रही है और फंगल इन्फेक्शन मल्टीप्लाई होता चला रहा है। तो बेस्ट तो ये है कि जब आप सुबह निकलें प्रॉपरली वॉश करके आए, वो जितना क्लियर होगा अंडर लेग अंडर आर्म उतना ही स्वेटिंग कम, मतलब उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम होगी। थंब के एरिया में भी जाते हैं, आपके थंब के हो गया आपका या फिर टो हो गया आपका, आपके अंगूठे का, सर में होता है टीनिया कैपिटस कहलाता है, टीनिया उंगलियम कहलाता है, ये सब फंगल, ये लिम्स में भी आपके सेंटर में भी यहां पे, ये कैंडिडियल कहलाता है, कैंडिडियल इन्फेक्शन कहलाते हैं, ये सब चीज़ें नमी की, जो लोग शिप पे काम करते हैं उनके जो पैर के बीच के फिंगर्स के बीच में उधर कैंडिडियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, ये सब वैरायटी ऑफ द फंगल इन्फेक्शन। डॉक्टर साहब अभी कोई क्रीम कोई ट्यूब कुछ बता सकते हैं? मैं आपको बता सकता हूं, देखें आपको फ्लूकोनाजोल, एक्चुअली इसमें डिफरेंट वैरायटी है, जब हम फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, टीनिया क्रूरिस कॉर्पोरिस ये कुछ फंगल इन्फेक्शन के नाम है, सर में कैपिटस हो जाता है, फेस पे फेशियलस हो जाता है,
थम में उंगलियां हो जाता है, तो ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ द फंगल इन्फेक्शन है। इसकी बड़ी अच्छी ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट्स आ गई हैं। डॉक्टर साहब एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी साथ ले लेते हैं। आपदा है सियालकोट से, हेलो जी आपदा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपदा जी, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? हाँ जी, मेरी बेटी है जी, जी उसके साथ बारिश है, बारिश की भी है, स्किन खराब है उसकी सर में। एज पूछना चाहेंगे? इनकी बेटी है, स्किन खराब है, खुश्की भी है और खारिश भी है। अच्छा, फेस पे पूरी बॉडी पे खाती है वो? अच्छा आप ये बताइएगा, पूरी बॉडी पे है उनकी इचिंग और खुश्की या फिर हाँ, फेस पे है? हाँ जी बॉडी पे भी होती है थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं है बॉडी पे लेकिन थोड़ी थोड़ी है। और एज क्या है उनकी? 20। हाँ जी 20 साल। अच्छा देखें, अगर एलर्जी हो रही है, एक तो सियालकोट का पेशेंट मेरे पास लाहौर भी आता है, मैं खुद भी सियालकोट और गुजरांवाला गुजरात जाता हूँ, वहाँ मौसम ड्राई हो रहा होता है, वहाँ ड्राई प्रॉब्लम होती है। हमारे कराची में ह्यूमिडिटी की वजह से ऑयल की प्रॉब्लम हो रही होती है, जैसे हम पंजाब साइड पे जाते हैं ड्राइनेस आ जाती है। गुजरांवाला गुजरात, झेलम, सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर, इन एरियाज़ में ड्राई होती है। कोई भी मॉइस्चराइज़र लें, लेकिन बच्चियाँ जहाँ पे भी हों, पूरे पाकिस्तान में क्या थ्रू आउट द वर्ल्ड, चेहरे पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज ना करें। मॉइस्चराइज़र अगर लगाना है, अगर आपको जिन एरियाज़ पे ड्राइनेस है जैसे हम सियालकोट वगैरह में, तो नोज़ पे मॉइस्चराइज़ करेंगे, अराउंड द आई, अराउंड द लिप, ये चीक, फोरहेड एंड चिन एरिया पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज ना करें। अब वो एलर्जी बता रही थी, एलर्जी में अगर ड्राइनेस की वजह से एलर्जी है तो कोई भी मॉइस्चराइज़र, कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र ले लें, नाम पॉन्ड्स का ले लें, नीविया का ले लें, कोई भी मॉइस्चराइजर ले लें। इन मैं बात कर रहा हूँ सियालकोट की उस साइड की, उसमें एडवेंटन क्रीम 1/4 मिला के आप फेस पे लगा सकती हैं, और कोई भी एंटी एलर्जी, रिजिक्स है, एटरेक्स है, टेलफास्ट बड़ी अच्छी आती है, अगर वो बच्ची यंग है तो 60 मिलीग्राम आती है, 120 मिलीग्राम आती है, वो रात को एक दे दें। सेकेंडली ये चेक कीजिए कि सनलाइट में तो नहीं हो रही, धूप में तो नहीं जा रही है, चूल्हे के पास तपिश से तो नहीं हो रही है, तो उसको अवॉइड करें। अच्छा फंगल इन्फेक्शन की बात हो रही थी जी, अच्छा अरशद भी हमारे साथ एक मौजूद है, एक कॉलर कराची से, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अरशद साहब क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि मेरी मिसिस को और मुझे ये फंगस है, ये छोटे छोटे दाग नुमा बन जाते हैं फंगस, लेकिन ये खत्म नहीं हो पा रहे बहुत सारी जगहों से। आप कहाँ रहते हैं, किस साइड में? मैं कराची में रहता हूँ। कौन सी जगह? FB एरिया में। बिल्कुल जी। तो ये मेरी मिसिस को भी है, मुझे भी है, और मेरे बड़े बेटे को भी है, मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। अच्छा, लेकिन हम 3 अफराद तो घर में है। ठीक है, आपका फ्लोर, आपके यहाँ बोरिंग का पानी तो नहीं आता ऊपर का घर? तो फ्लैट तो नहीं है? नहीं, फ्लैट नहीं है हमारे यहाँ, बोरिंग का पानी नहीं आता, लेकिन पीने के लिए हमारा अलग से मिनरल वाटर। नहीं पीने वाला नहीं, नहाने वाला पानी? नहीं नहाने वाला नहीं, लाइन का पानी। FB एरिया में पानी सही है आपके? मुझे मालूम है, आयशा मंजिल पे मेरी क्लिनिक है तो मुझे मालूम है पानी सही है। एनीवे मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद साहब आपकी कॉल करने का, ऑन एयर आप देखते रहिए लाइव, आपको डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट बता। अच्छा देखें, सबसे पहले तो कुछ एरियाज में, मोस्टली मलीर और कायदाबाद वगैरह में जो पेशेंट्स हैं मेरे, वहाँ बोरिंग का पानी है, तो बोरिंग का पानी वो स्टेग्नेंट वाटर है, वो आपने ज़मीन से निकाल के जो बारिशों का पानी नीचे गया है वही पानी निकाल के आप नहा रहे हैं, तो वो सब मिला जुला पानी है, तो वो एक तो फंगल इन्फेक्शन बहुत डेवलप कर रहा है। सेकेंडली मैंने अभी बताया कि जो ऊपर के फ्लोर पे, क्योंकि वहाँ स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, एक चीज़ ध्यान में रखें कि अपने घर में टेबल फ़ैन लगाएं, सीलिंग फ़ैन की हवा नहीं आती, टेबल फ़ैन लगाएं, लाइट कपड़े पहने, कलफ़ के कपड़े, मलमल के कपड़े पहने, और मैंने अभी बता रहा था वो ड्राई रखें। फिर इसकी एक फ्लूकोनाज़ोल होती है, क्योंकि आप नेचुरली, आपने अपनी वाइफ का ही बताया, और अगर बच्चा आपका 25 ईयर्स से ऊपर है तो फ्लूकोनाज़ोल, ज़ोलिनेक्स के नाम से एक टैबलेट आती है, वो 150 मिलीग्राम या 120 मिलीग्राम वो आप शुरू कर दीजिए। ज़ोलिनेक्स 150 मिलीग्राम। और दूसरी चीज़ है स्पेक्ट्राज़ोल और ट्रैवेजन क्रीम, इन दोनों को मिक्स करके, स्पेक्ट्राज़ोल और ट्रैवेजन क्रीम को थोड़ा सा मिक्स करें, अगर इचिंग है तो ट्रैवाकॉर्ड ले लीजिए, और जहां आपको ये फंगल इन्फेक्शन हो रहा है वहां लगा लीजिए। एंटी एलर्जी मैंने आपको बता दिया, कोई भी टेलफास्ट है कोई भी ले सकते हैं आप, रिजिक्स ले सकते हैं, और वहीं आयशा मंजिल पर ही मेरी क्लिनिक है, मेरे नाम से ही है, मेरा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, शक्ल भी बनी हुई है, डॉक्टर साहब की फेस भी बना हुआ है, नजर आ सकता है जगह जगह, तो आप वहाँ आ सकते हैं।
हम वहाँ देख रहे होते हैं, लेकिन एवरी एरिया का पानी अच्छा है, मुझे आइडिया है सब जगह का, तो वहाँ पानी बेहतर है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। फंगल इन्फेक्शन को प्रॉपर ट्रीट कर लिया आपने तो इंशाल्लाह सबका सेट हो जाएगा। वेंटिलेशन का बहुत ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि जैसे ही पसीना आएगा और जब भी नहा के निकलें, क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी है, तो अपने इन एरियाज़ को ड्राई रखें, इन एरिया को ड्राई करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब जैसे बेड सोर्स भी हो जाते हैं अक्सर आपको सोने में, या फिर आपके जो बेड बग्स होते हैं उनके बाइट्स भी हो जाते हैं बच्चों को, उससे कैसे बचा जाए? देखिए, सबसे पहले ये बारिश होती है ना, तो हर चीज़, आपको कॉकरोच नज़र आएगा, आपको चूहे नज़र आएंगे, कराची में आपको मच्छर नज़र आएंगे। अभी मैं बता रहा, एक कॉलोनी का ही नाम है मच्छर कॉलोनी, तो उसका नाम ही मच्छर कॉलोनी रख दिया, इतने मच्छर हैं कि कॉलोनी मच्छर हो गई। तो आपको देखें, सबसे पहले अपने जो हमारे यहाँ फोम सिस्टम है, पहले हमारे यहाँ जो बिस्तर होते थे वो बुने हुए होते थे, तो उसमें ये चीज़ें जमा नहीं होती थी। अब आने फोम सिस्टम है, अब वो 2-4 साल हो गए वो फ्लैटों में रखे हुए, आप लोग धूप में लेके नहीं जाते, उससे स्पेशली उसको क्लीन अप नहीं करते, क्लियर नहीं करते। डॉक्टर मजीद जानूंगी, एक लोधर से भी कॉलर हमारे साथ मौजूद है, नासरा जी। नासरा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी नासरा साहिबा, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? जी मुझे स्किन पे ना मैम झाइयां बहुत ज्यादा हैं, चेहरे पे झाइयां हैं। सही, आपकी एज क्या है? झाइयां क्या पूछ रही हैं, इनके स्किन पे बहुत ज्यादा झाइयां हैं। तकरीबन 30 होगी। ठीक है, 38। मैरिड है, अनमैरिड है? जी मैरिड हूँ, 3 बच्चे हैं हमारे। ठीक है जी, मैं बताता हूँ आप। सही, बहुत बहुत शुक्रिया नासरा कॉल करने का। डॉक्टर देखें, पिगमेंटेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड की प्रॉब्लम है आजकल। जल्दी से मुख्तसर, दूसरी तीसरी औरत आ रही है उसको पिगमेंटेशन है, लेकिन पिगमेंटेशन का लाहौर में आ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला अभी एक हफ्ते बाद ही, लाहौर में आप आके दिखा दें मुझे। पिगमेंटेशन में सबसे पहले चीज़ ये है कि सनलाइट में, धूप में बिल्कुल नहीं जाएंगी। सेकेंडली ये याद रखिए कि आपको हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है, वेट का बहुत ख्याल रखिए। इसका पूरा इलाज है, तरीके से इलाज है पिगमेंटेशन का, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो ट्रीटमेंट है 2-3 में क्रीम में आपको बता देता हूँ, इंस्टेंट वाइटनिंग क्रीम है और ये मेरे ही नाम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है हमारे पास, दोबारा से आपको बुलाएंगे शो में अपने और इंशाल्लाह मजीद आपसे डिटेल्स और ट्रीटमेंट्स ही जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसी के साथ ही शो का वक्त भी खत्म होता है, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी आपसे 9:00 बजे। देखना मत भूलिएगा दुनिया बोले, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। चलते हैं, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।